बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्रोड्यूसर और भाजपा नेत्री श्रीमती हरिप्रिया भार्गव आज झांसी के महाकाली शक्तिपीठ पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंदिर स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर अपनी सहभागिता दी और उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ सेल्फी भी ली। पत्रकारों से बात करते हुए हरिप्रिया भार्गव ने कहा है कि उनकी मातृभूमि झांसी रही है। उन्होंने रामलला के अयोध्या आने की बधाई देते हुए आग्रह भी किया है कि 22 जनवरी को दिवाली के पर्व की तरह मनाया जाए। आइए आपको भी सुनाते हैं हरिप्रिया ने क्या कुछ कहा है। 14 जनवरी से अभियान चलाया था सारे मंदिरों की स्वच्छता का, तो उसी दौरान हम लोगों ने भी यहाँ पे स्वच्छता का कार्यक्रम रखा। और ये कुछ दिनों का कार्यक्रम नहीं है, हमारे अपने मंदिरों की तीर्थ स्थलों की स्वच्छता ये हम सब की जिम्मेदारी है और इसे हमें हमेशा ही ध्यान में रखना है। और इसको ध्यान में रख के अपने मंदिरों की इन सब की गर्व को और गौरव को संस्कृति को बचा के रखना है। बस यही कोशिश है हमारी कि आप सब लोग राम मंदिर की स्थापना का प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाएं। और सबसे अनुरोध है, माँ प्रधानमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है कि अयोध्या जाने की बजाय आप लोग जहाँ हैं वहीं पर उनकी स्वागत की तैयारी करें, उस दिन को दिवाली की तरह मनाएँ। तो उसी के प्रयास में हमने कुछ व्यवस्था की है स्क्रीन्स पे, ताकि आप लाइव प्रोग्राम देख सकें अयोध्या का। और लोग वहाँ पर जाने का नहीं, वहाँ पे भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राम तो हर जगह हैं। तो हम सब यहाँ पे जो जहाँ हैं वहीं हम उनकी स्वागत कर सकते हैं, उनकी खुशी मना सकते हैं। तो यही हमारा प्रयास है और आप सबको रामलला के अयोध्या आने की बहुत बहुत बधाई। तो ऐसी ही देश विदेश की खबरों की जानकारी के लिए बने रहे ऑनलाइन न्यूज़ के साथ।